को एक साथ कर लेंगे, अभी करेंगे ठीक है। तो नेक्स्ट में एम एन प्लस, हाँ इसको ब्रैकेट पहले में हटा सकते हैं, ब्रैकेट पहले में हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस फाइव माइनस टू प्लस एम एन प्लस थ्री, प्लस थ्री ठीक है। तो यहां पे अभी सिमिलर टर्म को साथ साथ में लाएंगे तो क्या होगा, एम एन प्लस एम एन प्लस फाइव, फिर और एक प्लस को ले आते हैं सर, प्लस थ्री, फिर माइनस टू ठीक है, माइनस टू। अभी फिर क्या करेंगे, इसमें आप इक्वल साइन दे सकते हैं सभी में, माइनस एम एन दो बार है प्लस है तो फिर माइनस टू, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस टू एम एन हो जाएगा राइट। ये प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे दोनों प्लस को आप मिला सकते हैं पहले और माइनस के साथ माइनस कर सकते हैं, या फिर थ्री के साथ माइनस टू करके भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सपोज हम पहले प्लस को मिला देते हैं, प्लस एट माइनस टू, सारे प्लस दोनों प्लस है ना, फाइव और थ्री, तो एट हो गया और माइनस टू का माइनस टू रहा। अभी क्या करेंगे हम, एम एन, एम एन प्लस, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एट बड़ा है माइनस टू छोटा है, तो यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, इसको माइनस करने से या सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको एक दूसरे से, तो फिर सिक्स, ये टू एम एन होगा राइट, ये टू एम एन, तो टू एम एन प्लस सिक्स ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट है जब आप एड करेंगे, क्या करेंगे, एड करेंगे। अभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट, तो सब्ट्रैक्शन में अगेन एम एन प्लस फाइव माइनस टू, ये एक एक्सप्रेशन है ठीक, माइनस एम एन प्लस थ्री। अभी क्या करना है कि ब्रैकेट को खोल देना है, एम एन प्लस फाइव माइनस टू फिर माइनस, यहां माइनस प्लस माइनस तो माइनस एम एन, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री ठीक है। तो इक्वल टर्म्स को पहले साथ में लाएंगे, एम एन माइनस एम एन फिर प्लस फाइव माइनस टू और माइनस थ्री ठीक है। समझ में आया कैसा है, प्लस फाइव इधर माइनस टू इधर माइनस थ्री इधर, एम एन पहले से इधर आ चुका है, तो ये दोनों आपस में जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो लिख लेते हैं ठीक है। फिर इसको मिलाते हैं क्या होता है, तो प्लस फाइव और ये दोनों मिला के माइनस फाइव, तो प्लस फाइव और माइनस फाइव ठीक है, ये भी जीरो हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, जीरो ओके। अल्टीमेटली रिजल्ट आपका क्या होगा, जीरो होगा ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।